नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे CNT एक्ट 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है, इसके कौन कौन से अध्याय हैं, कौन कौन से धाराएं हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अध्याय एक जो है प्रारंभिकी है, इसमें धारा एक है, तो धारा एक में संक्षिप्त नाम और प्रसार हैं। ठीक है ना, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसका प्रसार जो है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और परलामू प्रमंडल में होगा। इसके बाद अध्याय तीन जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, धारा तीन जो है इसमें परिभाषाएँ दी हैं कि कृषि वर्ष क्या है, भुगतबंध बंधक क्या है, जोड़ा क्या है, कोड़कर क्या है, भू स्वामी, काश्तकार, लगान, चल संपत्ति, मुंडारक, खुट कट्टीदार, काश्तकारीदार, भूधृति यानी टेन्योर्स, अस्थाई भूधृति, पुनर्गा बंधति, ग्राम मुखिया, अस्थाई बंदोबस्त, डिक्री क्या है, ये सारे जो परिभाषाएं हैं ये आपको धारा तीन में है, अध्याय एक के धारा तीन में है, CNT 1908 के तहत। इसके बाद CNT 1908 इसमें हम लोग देखेंगे अध्याय दो जो है काश्तकारों के वर्ग, इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, काश्तकारों का वर्ग। इसमें जो धाराएं हैं, धारा चार में काश्तकारों के वर्ग से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। इसके बाद जो धारा पाँच है, इसमें भूधारक का क्या अर्थ है, ये चीज़ है। इसके बाद धारा छः जो है, रैयत का क्या अर्थ है, ये है। धारा सात में खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का क्या अर्थ होता है, ये है। आठवां में मुंडारी खुटकट्टीदार का क्या अर्थ है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अध्याय तीन जो है वो भूधारक से संबंधित है। भूधारक में देखेंगे कि धारा नौ जो है, भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होगा, ये है। और नौवां का क जो है, भूधारक या गांव मुखिया के लगान में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धारा ग्यारह में भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। धारा तेरह जो है, भूधृतियों के विभाजन या लगान का जो वितरण है वो कैसा है, उससे संबंधित है। धारा चौदह जो है, पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण व विलंब ग्रहों का वातिलीकरण है। देखिए, CNT हो या SPT हो, आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट धारा में ही आ जाते हैं। तो आप अध्याय और धारा दोनों को याद रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अध्याय वन में धारा एक तीन दिया हुआ है, अध्याय दो में धारा चार पाँच छः सात आठ दिया हुआ है, अध्याय तीन जो भूधारक है इसमें धारा नौ, नौ का ग्यारह तेरह और चौदह है। इसके बाद अध्याय चार रैयत से संबंधित है, और रैयत से संबंधित धाराओं में 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 33 को, इसके बाद यहीं तक है। इसमें हम लोग देखेंगे रैयत वाले में विद्यमान अधिभोग्य अधिभोगाधिकार का बना रहना अध्याय सॉरी धारा 16 में है। इसके बाद धारा 17 में बंदोबस्त रैयत की क्या परिभाषाएं होती हैं, ये है। इसके बाद 18 में भूहरों और भूमंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना, ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो 19 है, बंदोबस्त रैयत के अधिभोगाधिकार क्या थे, इनसे संबंधित है। इसके बाद 21 में भूमि के उपयोग संबंधी अधिभोगी रैयत के अधिकार क्या हैं, ये चीज़ें हैं। 21 का जो है, वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या है, ये है। धारा जो 22 है, रैयत की बेदखली कैसे होगी, ये चीज़ है। 24 में लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यताएँ क्या होती है, ये है। अध्याय सॉरी धारा 27, ठीक ना, रैयत के जोक की जोक का लगान बढ़ाने की रीतियाँ जो हैं। इसके बाद 33 का जो है, रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अध्याय पाँच, अध्याय पाँच में धारा 37 के अंतर्गत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत क्या होते हैं, इससे संबंधित प्रावधान है। इसके बाद अध्याय छः जो है, अंधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत अध्याय छः में है, इससे संबंधित धारा 38, 39, 40, 41, 42 है। तो 38 कहता है कि अंतिभोगी रैयत का प्रारंभिक जो लगान और पट्टा क्या है, इससे संबंधित ढेर सारे यहाँ प्रावधान दिए हुए हैं। इसके बाद 39 से 40 में अंतिभोगित रैयत के लगान की वृद्धि है। फिर 41 में अंतिभोगी रैयत के बेदखली के अधिकार क्या होंगे, वो हैं। अब अध्याय सात में लिखा हुआ है कि अध्याय चार और अध्याय छः से छूट प्राप्त भूमि जो है आपको अध्याय सात में है, इसकी धारा 43 है। तो इसके प्रमुख प्रावधान ये हैं कि भू स्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमियों, अन्य भूमियों को अध्याय चार और छः के प्रावधानों से क्या क्या छूट हासिल है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अध्याय आठ जो है, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण, जिसमें धारा 44, 45, 46, इसके बाद 47 है, 48 है, ठीक ना, इसके बाद 48 का 49, 50 है,
तो इसमें हम लोग देखेंगे ज्योतु और भूत रीतियों के पट्टे अंतरण से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान है, रैयत के पट्टे का हकदार होना धारा 44 में है, फिर इसके बाद 46 में रैयत द्वारा अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध है, इसके बाद 47 में न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है, 48 में भूमिधर जो भूत रीति के अंतरण पर प्रतिबंध है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। अध्याय 9 जो है लगान के बारे में जो साधारण उद्बंध होते हैं उसमें जो धाराएं हैं 52, 53, 58, 59, 60, 61, 61 का 62 और 63 दिया हुआ है, ठीक ना। धाराएं याद रखिए और उसका टाइटल याद रखिए, बाकी सारा काम आराम से एग्जाम में हाथ से जाने वाला नहीं है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे कि लगान के बारे में साधारण उपबंध है तो 52 में किस्त के बारे में, 53 में लगान भुगतान की रीतियाँ, 54 में लगान तथा उसके ब्याज की रसीद, 58 में लगान का बकाया उस पर ब्याज, 59 में भूधारक की बेदखली बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना, 60 में लगान के बकाया का काश्तकारी पर प्रथम भार होना, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब अध्याय 9 का जो है बंजर भूमि के बंदोबस्त से संबंधित है, यह 63 का 63 में है। इसके बाद अध्याय 10 जो है भूस्वामी काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, इससे संबंधित धारा 64, 66, 67, 67 क, 68, 71, 71, 71 क, 71, 72, 73, 75 तक है। इसके बाद अध्याय 11 जो है रूढ़ी और संविदा से संबंधित है, इसमें धारा 76 से 79 तक वर्णित है। इसके बाद अध्याय 12 जो है अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण है, इसकी धाराओं में 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96 तक है। अध्याय 13 जो है भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख है, इसके जो धाराएं हैं 101, 103, 104, 105, 106 और 117 तक है। अध्याय 14 जो है भू स्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है, यह धारा जो है 118, 119, 100 से लेकर 123 तक, 124 तक है। इसके बाद अध्याय 15 जो सीएनटी 1908 में है, अध्याय 15 में अधिकार अभिलेख खुटकतीदार अभिलेख वाले रैयत ग्राम मुखिया अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यता है, इसमें धारा 127, 130, 134 है। इसके बाद अध्याय 16 जो है उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, इसमें जो धाराएं हैं 135, 36, 38, 39, 139, 140, 40, ठीक है, 140, 142, 163, 174, 171, 172, 179, 180, 179, 181, 182, 185, 186, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 95, आपका से लेके 220 तक और 220 से लेके 229 तक, ये लंबे सबसे ज़्यादा लंबा है, जिसमें आपको यहाँ पे देखें अध्याय 16 जो है जो उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया है, ये धारा 135 से लेके लगभग 229 तक फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद अध्याय 16 का एक जो बिहार उड़ीसा के लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया है, ये धारा 229 क में है। इसके बाद अध्याय 17 जो है परिसीमा है, इसमें धारा 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238 है। इसके बाद अध्याय 18 मुंडारी खुटकारी विषयों में विशेष उपबंध, तो इसमें जो धारा है 239 से लेकर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 255 तक है। यानी अध्याय 18 जो मुंडारी खुटकारी के विषय में विशेष उपबंध है, इसकी धाराओं में 239 से लेकर 255 तक शामिल हैं। इसके बाद अध्याय 19 जो है अनुपूरक उपबंध है, इसमें धारा 257, 258, 263, 264, 265, 268, 279, 69, 70, 271 दिया हुआ है। तो ये कुल मिला के सीएनटी एक्ट के विभिन्न अध्याय और विभिन्न धाराएं हो गई। सीएनटी एक्ट का उद्देश्य ये था कि छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, जनजातीय विद्रोहों को नियंत्रित करना, जनजातीय समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, जनजातियों को भूमि संबंधी जो मालिकाना है उनको हक प्रदान करना, यही है। तो इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय में विभाजित है, उसमें कुल मिला के 271 धाराएँ हैं, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 11 नवंबर 1908 से ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू कर दिया गया था, ठीक ना। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो खाका था, एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉन एच हॉफमैन ने
तैयार किया था। कहीं ना कहीं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम से भी प्रकाश प्रभावित है, और इसका सबसे पहला जो प्रकाशन है कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जुड़े रहिए। थैंक यू।